सुधा तेज धूप में बाहर से घर आती है और आते ही अपनी नौकरानी यशोदा का आवाज लगाने लगती है। अरे यशोदा, अरे ओ यशोदा, ये एसी क्यों बंद कर रखी है? एसी चला, इतनी गर्मी लग रही है, मेरे लिए ठंडा पानी ले आ, अभी ही इतनी गर्मी हो रही है, बता नहीं आगे क्या होगा। अपनी मालकिन की बात सुनकर यशोदा जल्दी से ठंडा पानी का ग्लास लेकर आती है और अपनी मालकिन को दे देती है। सुधा वो पानी पीती है और यशोदा से कहती है, हाय कितनी गर्मी है, अरे इतनी गर्मी में तो अच्छा खासा इंसान तप जाएगा। यशोदा तूने एसी क्यों बंद कर रखा है? मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मालकिन, वो एसी की अभी तक सर्विस नहीं हुई है, इसलिए एसी नहीं चला सकते। मालकिन, वैसे अभी तो इतनी गर्मी पड़ी भी नहीं है, अप्रैल का महीना है, गर्मी तो अब आगे ही पड़ेगी ना, और आपके घर में तो बिना एसी के भी इतना ठंडा है, आपको एसी की कहाँ ही जरूरत है। जरूरत? अरे ये तू क्या बोल रही है यशोदा, बिना एसी के तो मैं 5 मिनट ना रह पाऊँ, और वैसे भी अप्रैल क्या, मुझे तो मार्च से ही गर्मी लग रही है, वो तो बस रोहन की वजह से नहीं चला रही थी मैं। मालकिन, आपको आदत नहीं है ना बिना एसी में रहने की, इसलिए आपको इतनी गर्मी लग रही है। अरे ये सब छोड़, और आज ही एसी की सर्विस करने वालों को बुला ले। ठीक है मालकिन, मैं आज ही बुला लूंगी। एक तरफ सुधा थी जिसको गर्मी जरा भी बर्दाश्त नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ यशोदा थी जो कि एक गरीब औरत थी। यशोदा का एक बेटा था जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ता था। यशोदा जल्दी से काम खत्म करके घर जाती है जहाँ उसका बेटा सोनू हाथ वाले पंखे से खुद को हवा कर रहा होता है। माँ, आज आप ना फिर से देर से आई हो, आपको तो पता है ना मुझे कितनी भूख लगी है। माफ करना बेटा, वो आज काम कुछ ज्यादा ही था तो बस इसलिए घर आने में देर हो गई। रुक जा, मैं अभी जल्दी से कुछ बना कर लाती हूँ। माँ जल्दी से बना के लाना, मुझे ना बहुत भूख लगी है। यशोदा जल्दी से खाना बनाती है और फिर दोनों माँ बेटा साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद यशोदा जमीन पर बिस्तर लगाती है और वो दोनों साथ में सो जाते हैं। गर्मी की वजह से काफी ज्यादा मच्छर भी थे जिनकी वजह से सोनू को काफी परेशानी हो रही थी। माँ माँ देखो ना कितने मच्छर हैं, ये तो काट काट के मेरा बहुत खून पी गए, और इतना खून तो मेरे शरीर में था भी नहीं। रुक बेटा, मैं अभी इन मच्छरों का कुछ करती हूँ। यशोदा अपनी साड़ी से जल्दी से मच्छरदानी बनाती है और वो दोनों मच्छरदानी में आराम से सोने लगते हैं। लेकिन मच्छरों के साथ साथ गर्मी भी तो काफी ज्यादा थी ना। माँ माँ मच्छर तो चले गए, लेकिन इसमें ना गर्मी लग रही है, और पसीने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। माँ कल रात को भी ना ठीक से सो नहीं पाया था, और अब देखो ना अभी नींद नहीं आ रही है। अरे मेरा राजा बेटा, तू इतना क्यों परेशान हो रहा है, मैं हूँ ना तेरे साथ में। रुक, मैं तुझे हाथ वाले पंखे से हवा करती हूँ, फिर तुझे अच्छे से नींद आएगी। यशोदा पंखे से हवा करती ही रहती है जब कहीं जाकर सोनू को नींद आती है। अब गरीबों का गर्मियों में तो यही हाल होना था, अब उनके पास कोई एसी कूलर पंखा तो था नहीं, इसलिए जो भी होता है ये उनमें ही एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरह यशोदा भी अपने बेटे के साथ रह रही थी। कुछ दिनों बाद गर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी और इस गर्मी में तो एसी में भी लोगों के पसीने छूट रहे थे। सुधा काफी परेशान हो जाती है और एसी के आगे बैठकर वो अपने पति देव से कहती है, देव ये एसी तो बिल्कुल कबाड़ा हो गया है, बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा है, एसी में बैठकर भी इतने पसीने आने लग रहे हैं, इस एसी को बदलवा देते हैं हम अब। मुझे भी यही लग रहा है, अरे इससे ज्यादा कूलिंग ना हमारी गाड़ी की एसी दे देती है। अरे मैं तो आज घर पर हूँ तो मेरी यह हालत हो गई है, तुम लोग पता नहीं कैसे झेलते हो। अब समझ आया कि हम कितना एडजस्ट कर रहे हैं, चलो आज ही हम एसी नया लेकर आते हैं, मुझसे और गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। आज नहीं, आज मुझे बहुत ज्यादा काम है, मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा ना उसके बाद चलेंगे हम। सुधा यहाँ नया एसी लाने की बात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ यशोदा गर्मी में गैस के आगे रोटी बना रही थी। बेचारी बस कुछ पैसों के लिए इतना सब कर रही थी। इस बार तो लगता है सच में कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ गई है, मैं तो फिर भी यहाँ इतने अच्छे घर में हूँ, लेकिन वहाँ मेरा बेटा बेचारा कैसे रह रहा होगा उस घर में, वहाँ तो सीधा धूप आती है, कितनी मुश्किल हो रही होगी। आज एक काम करूँगी, मैं अपने बेटे के लिए ठंडी ठंडी कुल्फी लेकर जाऊँगी, उसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। यशोदा अपने बेटे के लिए शाम को कुल्फी लेकर जाती है और अपने बेटे को देते हुए कहती है, मुझे पता है हमारे इस घर में तो तुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होगी ना,
तभी मैं तेरे लिए ये ठंडी ठंडी कुल्फी लाई हूँ। तुझे कुल्फी अच्छी लगती है ना? हाँ माँ, मुझे ना बहुत अच्छी लगती है। लेकिन माँ, आप ना वहाँ मेरी चिंता मत किया करो। अरे आपको पता है ना, मुझे ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड नहीं लगती है। अरे मुझे आदत हो चुकी है अब तो। मुझे तो वहाँ बस तेरी ही चिंता लगी रहती है। हमारे घर में तो एक पंखा तक नहीं है। कितनी मुश्किलें होती होंगी ना। इस बार तनख्वाह आएगी ना तो मैं तेरे लिए एक पंखा जरूर लाऊंगी। नहीं माँ, पंखा भी इतना जरूरी नहीं है। अरे अभी तो हमारे घर में पंखे की क्या जरूरत है। अरे माँ, अभी ना बहुत सारा सामान लेना है। मुझे किताबें लेनी है और बहुत जरूरत का सामान भी आएगा। पंखा लेंगे ना तो ये सब नहीं ले पाएंगे। मुझे पता है कि तू क्यों मना कर रहा है पंखे के लिए। इसलिए मना कर रहा है ना तू, क्योंकि पंखे में पैसे लगेंगे और अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मैं किसी के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ ना। सोनू हमेशा ही अपनी माँ को समझता, अपनी माँ की परेशानियों को समझता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन गर्मी का कहर भी तो इतना बुरा था। गर्मी में सोनू को चक्कर आ जाते हैं, और जब ये बात यशोदा को पता चलती है तो वो तुरंत घर चली जाती है। यशोदा अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर काफी रोती है। मैं कैसी माँ हूँ, मैं अपने बच्चे की जरूरत का सामान भी पूरा नहीं कर पा रही हूँ। ये बेचारा कभी कुछ कहता नहीं है, लेकिन मैं कभी इसकी परेशानी ही नहीं समझ रही थी। यशोदा काफी ज्यादा परेशान थी। तभी सोनू को होश आता है। अपनी माँ को ऐसे रोते हुए देखकर वो बोलता है, अरे माँ आप रो क्यों रही हो, अरे इसमें आपकी क्या गलती है। अरे तो गर्मी है, गर्मी में तो हो ही जाता है। चुप कर तू, मैं ही तेरा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई, तभी तो तेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। माँ आप इतना परेशान मत हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं तेरे लिए आम पन्ना बनाती हूँ, गर्मी में आम पन्ना बहुत अच्छा रहता है। बस अब से तू रोज पिएगा। मैं भले ही ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही सकती हूँ ना अपने बेटे के लिए। यशोदा अब अपने बेटे पर बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद यशोदा वापस से काम पर जाने लगती है। जैसे ही यशोदा अपनी मालकिन के घर पहुँचती है तो वहाँ नया एसी लग रहा होता है। मालकिन जी, ये क्या हो रहा है, नया एसी? वो पुराना एसी इतना तो अच्छा था, वो क्यों निकाल दिया? क्या खाक अच्छा था? अरे वो तो हवा तो देता ही नहीं था, उसके आगे बैठने का कोई फायदा ही नहीं था, इसीलिए हमने नया एसी लिया है। अच्छा चलो ठीक है, मैं जाती हूँ अपना काम करती हूँ। यशोदा अपना काम करने लगती है। यशोदा को अमीरों के ठाट बाट भी दिखाई देते हैं। शाम को जब यशोदा काम करके घर चली जाती है तो यशोदा के घर देव और सुधा वहाँ आते हैं और साथ में उनके एसी भी होता है। मालकिन आप यहाँ, और ये एसी ये किस लिए? ये तुम्हारे लिए ही तो है। क्या मेरे लिए? और नहीं तो क्या, गर्मी सिर्फ हमारे लिए थोड़ी है, गर्मी आपको भी तो लगती है। और पंखा वंखा है नहीं आपके पास, तो एसी लगा दिया ताकि आप लोगों की ना गर्मी दूर हो जाए। और हाँ, बिल की आप चिंता मत कीजिए, वो मैं संभाल लूंगा। यशोदा के घर भी एसी लग जाता है। यशोदा और सोनू काफी खुश हो जाते हैं। मंजुला घर का काम कर रही होती है, तभी उसकी बेटी प्राची आती है और अपनी माँ से प्राची कहती है, माँ मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मेरी टीचर ने कहा था कि वो लेट आएंगे। लेट आने के लिए बोला था तेरे टीचर ने, लेकिन मना थोड़ी ना किया था कि नहीं आऊँगा आज, तो कॉलेज क्यों नहीं जाना, ये कोई बहाना नहीं है, समझी तू? माँ जब बच्चे लेट हो जाते हैं तो टीचर हमें क्लास से बाहर निकाल देते हैं, अब टीचर लेट आ रहे हैं तो हम भी कॉलेज नहीं जाएंगे अब। अरे हमारे टीचर को भी तो खाली क्लास का स्वाद मिले। अरे नलायक लड़की, तुझे क्या है जो तू अपनी क्लास में लेट जाती है? तेरे टीचर को तुम लोगों को ही थोड़ी पढ़ाना होता है, और भी तो बच्चों को पढ़ाते होंगे ना, वो हो जाता है कभी कभी। हाँ हाँ वही माँ, लेट आते हैं टीचर, अगर काम है तो पहले काम कर लेना फिर वो, उसके बाद हमारी क्लास रखें, अब लेट आ रहे हैं तो लेट ही सही, लेकिन आज तो मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज। अरे पागल लड़की, तू नहीं पढ़ेगी तो उसमें तेरा ही नुकसान है, ना कि तेरे टीचर का। अच्छा माँ ऐसा है क्या, लेकिन मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, उसमें तो मेरे ही किराए के 100 रुपए बचेंगे ना। अरे बंद अकल की लड़की, तू 100 रुपए के चक्कर में अपने हजारों की फीस की बर्बाद कर रही है, तू जा रही है कॉलेज या मैं धक्का देकर तुझे कॉलेज भगाऊं? ठीक है माँ, आपको अपनी बेटी से ज्यादा अपने 1000 रुपयों की चिंता है, तो मैं जा रही हूँ कॉलेज। मुझे 1000 रुपए की नहीं बल्कि तेरी चिंता है, मुझे देख ले, अनपढ़ होने की वजह से स्कूल में सफाई कर्मचारी हूँ,
यही अगर थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती तो मैं भी कुछ अच्छी नौकरी करती ना। माँ अब तो मैं कॉलेज जा रही हूँ, तो आप ये सब बकवास मत करो, मुझे नहीं सुनना है। एक तो इनको पढ़ाई करके भी दो, ऊपर से इनका ज्ञान भी सुनो। आपसे अच्छी तो टीचर का ज्ञान है। टीचर का इतना ही अच्छा ज्ञान है तो तू घर क्यों बैठ रही थी कॉलेज की छुट्टी करके? जाना कॉलेज अपने, अपने टीचर का ज्ञान कम से कम थोड़ी बहुत अकल तो आ जाएगी तुझमें। हाँ हाँ जाती हूँ कॉलेज, और वैसे भी कॉलेज नहीं गई तो मेरी माँ मंजुला नाम का रेडियो कहाँ बंद होने वाला है, यहाँ तो पिटने की भी संभावना है। प्राची इतना बोलकर अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। मंजुला ही थी घर में जो सबसे ज्यादा समझदार थी। कुछ दिनों बाद प्राची की बुआ सरला आती है। सरला आते ही मंजुला और प्राची से मिलते हुए कहती है, अरे मेरे भाई की बीवी और मेरे भाई की बेटी को तो देखने के लिए मेरी आंखें ही तरस गई थी। बुआ जी आप कहे तो मैं पानी ले आऊं आपकी आंखों की प्यास को बुझाने के लिए। अरे तेरी बुआ ने बस मुहावरा कहा है, तू तो असल में भावनाओं में ही बहने लग गई। मैं तो बस स्विमिंग पूल में ही बहती हूँ। भावनाओं नाम का कोई नया स्विमिंग पूल खुला है क्या आसपास? अरे प्राची सच में नया पूल खुला है क्या? चल चल मैं भी तेरे साथ चलूंगी, हम दोनों पानी में छपाक छपाक करके मजे करेंगे। मुझे तो पानी में वो कागज की नाव भी तैरानी है। बुआ जी आप ही जाओ, मुझे तो डर लगता है अगर मैं बह गई तो मेरा क्या होगा, यहाँ तो एक से बढ़कर एक कम दिमाग के लोग हैं। अरे बुआ जी भावनाओं का मतलब फीलिंग्स की बात कर रही थी, खैर ये बात छोड़ो और ये बताओ कि आपका बेटा नहीं आया क्या? मंजुला सरला के बेटे के बारे में पूछ ही रही थी कि तभी वहाँ सरला का बेटा प्रमोद अपने बालों में कंघी करते हुए स्टाइल में आता है और बोलता है, अरे मामी आप कैसे भूल गई कि आपके घर में आने के लिए तो मैं उतावला बैठा रहता हूँ, तो इस बार कैसे नहीं आता? और मामी जी इस बार तो अलग ही माहौल है। ओ मेरा बच्चा बहुत पतला हो गया है, क्यों सरला दीदी कुछ खाने को नहीं देती क्या आप मेरे प्रमोद को? ऐसा लग रहा है जैसे घी गुड़ का स्वाद अभी तक लगा ही नहीं है पेट को। हाँ हाँ माँ पतला तो लग रहा है, लेकिन मुझे इसका पतलापन दिख क्यों नहीं रहा, मुझे तो बस इसका पेट बाहर आता हुआ दिख रहा है। हाय राम माँ कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई? भाभी आपको प्राची की आंखों की जरा भी परवाह नहीं है, देखो तो इसे पतले और मोटे में फर्क ही नहीं दिख रहा। प्रमोद देख तो कोई आंखों के डॉक्टर को। बुआ जी आपकी आंखें तरस रही थी, मेरी आंखों को मोटे पतले का फर्क नहीं दिख रहा, कहीं ये कोई खानदानी बीमारी तो नहीं है ना? ए प्रमोद तू पतला ही है, मैं ही तुझे बस पतला नहीं देख सकती। हाँ हाँ प्राची अपनी आंखों की वजह से मेरे जिम की मेहनत खराब लगती है ना, अब तो मैं रोज जिम जाता हूँ कि थोड़ा शरीर अच्छा हो जाए, लेकिन यहाँ तो कोई मुझे पतला तो कोई मुझे मोटा बता रहा है। हाँ हाँ प्रमोद तुझे कोई परेशानी नहीं है, लगता है हमें ही कोई परेशानी है। अच्छा अगर कोई आंखों के डॉक्टर का नंबर ना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इंटरनेट से देखकर अपनी ही आंखों का इलाज कर सकते हैं। मेरे पास इंटरनेट वाला फोन भी है, मैं देखता हूँ आंखों का इलाज। अरे बस करो अभी अभी आए हो आप दोनों, थोड़ा आराम कर लो। और प्राची दिखता नहीं क्या तेरी बुआ और भाई आया है, जा जाकर कुछ खाने के लिए बना ला। खिचड़ी परिवार के लिए खिचड़ी बना लाऊं? तू जा जो मन करे वो बना के ला, लेकिन अभी यहाँ से तो जा। मंजुला प्राची को रसोई में खाना बनाने के लिए भेज देती है। सरला और उसके बेटे के आने के बाद घर में काफी रौनक आ गई थी। प्राची सरला प्रमोद सब एक से बड़े एक कलाकार थे, बातों को अपने हिसाब से समझ लेते और फिर उस बात को अलग ही दिशा दे देते। लेकिन इन सब के बीच मंजुला भी थी जो काफी ज्यादा समझदार थी। ऐसे ही थोड़ा मजाक थोड़ा गुस्सा हल्की सी नोकझोंक से बड़े प्यार से लोग रहा करते थे। कुछ दिनों बाद प्राची अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसके पास प्रमोद आता है और उससे कहता है, ए प्राची उठ रे घर में चोर आया है और तू अब तक सो रही है, चल जल्दी उठ। प्राची जैसे ही प्रमोद की बात सुनती है तुरंत चिल्लाते हुए उठती है और कहती है, चोर चोर कहाँ है चोर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कुछ डंडा लेकर आओ हम चोर को पकड़ते हैं, हमारा भी नाम फिर कल अखबार में आएगा। पागल कहीं की, मैं तो कह रहा हूँ कि देख टीवी में चोर आया है, कितनी शांति से आ रहा है ये चोर और बाकी के लोगों को पता भी नहीं चल रहा है, देख देख। ये चोर टीवी में गया कैसे, देख तो कहीं पीछे का ढक्कन तो नहीं खुला। नहीं नहीं ये तो टीवी में ही रहते हैं, अब बार बार आना जाना वो भी दूसरों के घरों में नहीं कर सकते ना, इसलिए ये लोग टीवी में ही रहते हैं।
प्रमोद ध्यान रखना तुम, मैं सो रही हूँ, अगर चोर ने कुछ किया तो मुझे बता देना। प्राची और प्रमोद की बेवकूफी भरी बातें खत्म नहीं होती। उम्र तो बढ़ रही थी लेकिन दिमाग अब भी बचपन में ही रह गया था। ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद प्राची और सरला में बहस हो रही थी। सरला चिल्लाते हुए प्राची से कहती है, मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, आज का खाना मैं ही बनाऊंगी। अरे भाई मैं बड़ी हूँ तो बस मैं ही खाना बनाऊंगी। प्राची बड़ों की बातों को ऐसे मना नहीं करते हैं। नहीं बुआ, आज आप आराम करोगी, खाना मैं बनाऊंगी। अरे आप बड़ी हो और छोटों के होते हुए बड़ों को खाना बनाना पड़े, अच्छा थोड़ी लगता है। जाओ आप आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। कैसी बदतमीज लड़की है, बड़ों की बातों को काट रही है। रुक मैं तेरी माँ को बुलाती हूँ, अब वही तुझे समझाएंगी और तेरी अकल ठिकाने पर भी वही लेकर आएंगी। सरला मंजुला को आवाज लगाकर बुलाती है और बोलती है, अरे भाभी ये देखो प्राची को, मैं कब से बोल रही हूँ कि खाना मैं बनाऊंगी, लेकिन ये है कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं, बस अपनी मनमानी चला रही है। इसके हाथ का खाना कितना बकवास होता है। माँ आपको भी पता है कि बुआ कभी कुछ खास नहीं बना पाती। अरे बस करो आप दोनों, कितना लड़ रहे हो, खाने की ही तो बात है। आप दोनों में कोई नहीं बनाएगा, मैं बना लूंगी, आप जाओ। मैं तो थक गई नाटक करके। प्राची पॉपकॉर्न लेकर आ, हम दोनों अब टीवी में नाटक देखेंगे। बुआ जी आप जाओ, मैं लेकर आती हूँ पॉपकॉर्न। खिचड़ी परिवार जिसमें नोकझोंक चलती ही रहती है। जैसे तबीयत खराब हो तो खिचड़ी ही सेहत के लिए सबसे अच्छी होती है और खिचड़ी ही सबसे ज्यादा काम आती है। ठीक उसी तरह जब परिवार में उतार चढ़ाव आते हैं तो परिवार खिचड़ी बनकर ही एक दूसरे की मदद करता है। उमा दो तीन साड़ी लेकर अपनी बहू आशिका की कमरे में जाती है और बोलती है, बहू जरा देख तो इन दोनों में से कौन सी साड़ी ठीक लगेगी मुझ पर। माँ जी आप साड़ी क्यों देख रही हो, कहीं बाहर जाना है क्या आपको। हाँ वो पड़ोसन है ना अपनी, उसके साथ ही जाना है। वो क्या कहते हो तुम लोग, किट्टी पार्टी। आज मेरी उम्र की औरतें मिलकर किट्टी पार्टी कर रही है, तो वहीं जाना है मुझे। वाह माँ जी आपकी तो किट्टी पार्टी चल रही है, और मैं कहीं चली जाऊँ तो आपको दिक्कत होती है। तुझे कहाँ ही जाना होगा, तू तो घर संभाल बस, कहाँ बाहर जाना है तुझे। बाहर तो कहीं तब जाऊँ ना मैं जब आप मुझे जाने दोगी, कहीं जाने ही नहीं देती हो आप मुझे। तू ये सब मत कर, मुझे बस इतना बता कि साड़ी कौन सी अच्छी है। माँ जी ये वाली ज्यादा अच्छी है और आप पर बहुत अच्छी लगेगी। है ना, मुझे भी यही पसंद आई थी, मेरी पसंद है ही इतनी अच्छी, खाम खाई तुझसे पूछने आई मैं। माँ जी जब आपको मेरी पसंद के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है तो आप मुझसे पूछने क्यों आती हो, खुद पसंद कर लिया करो ना। बहू तुझसे कुछ पूछ लिया है मैंने तो इतना बन मत, ठीक है ना। बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरे बिना इस घर का कुछ हो ही नहीं सकता। तुझसे पूछ लिया तो इतना बुरा लग गया क्या तुझे। माँ जी बुरा नहीं लगा है मुझे, मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि अगर मुझसे किसी बात की सलाह मशवरा लेती हो तो कभी तारीफ भी कर दिया करो ना, मैं आपकी ही बहू हूँ, पड़ोसियों की नहीं। हाँ तो क्या हुआ, पड़ोसियों की बहुएं भी तेरी तरह हैं, तुझमें कुछ खास नहीं है समझी। तुझसे कुछ बात क्या कर लो, अपना ही दुखड़ा गाने लगती है, तुझसे अच्छी तो पड़ोसियों की ही बहुएं हैं। ठीक है आप सही और मैं गलत, अब तो खुश हो ना, या और भी कुछ रह रहा है। हाँ मैं ये बोल रही थी कि मैं तो किट्टी पार्टी में ही खा कर आऊंगी, और नवीन भी देर से आएगा तो तू दिन में जो बना था वही खा लियो। क्या आप अपने अकेले के लिए तू खाना बनाएगी। हाँ यही तो बचा है, माँ बेटे बाहर घूमते रहे और बहू घर में बासी खाना खाए। जब कहीं चली जाऊंगी ना तभी माँ जी को अपनी बहू की असली कीमत का एहसास होगा। उमा आशिका को हमेशा ही सुनाती रहती थी, उसे किसी न किसी बात पर नीचा दिखाती रहती, और आशिका अपने लिए बोलती तो है लेकिन उमा उसकी बात को जरा नहीं सुनती और सुनाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद आशिका का पति नवीन सुबह उठता है और घड़ी में समय देखता है, और नवीन को ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो रहा था तो वो आशिका से कहता है, आज तो मैं ऑफिस जाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, मैंने तो फाइल भी पूरी नहीं की है। पक्का आज सर ना मुझे नौकरी से निकाल ही देंगे, मेरा तो अब मन ही नहीं कर रहा ऑफिस जाने का। आप पहले जाओ ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ और टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, वरना मैं जो सोच रहा हूँ ना वो भी हो सकता है। नवीन ऑफिस के लिए जल्दी से रेडी होकर जाने लगता है। तैयार होकर वो नाश्ता करने आता है और अपनी माँ के साथ नाश्ता कर ही रहा था
तभी वहाँ आशिका नवीन के ऑफिस की फाइल लेकर आती है और कहती है, चलो अच्छा है आपने नाश्ता भी कर लिया, मैंने आपकी फाइल पूरी कर दी है, एक बार आप रीचेक कर लेना, अपने हिसाब से मैंने सब ठीक किया है इसमें। क्या तुमने इतनी जल्दी मेरी फाइल कंप्लीट कर दी, सही है? अरे आप भूल क्यों गए कि मैंने भी MBA कर रखी है, ये सब मुझे आता है। अब ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके ना सबसे अच्छा काम किया है, मुझे अपने आप पे गर्व है। हाँ नवीन तेरी ही तो पसंद है, तेरे साथ रह रहकर बहू भी समझदार हो गई है, तेरे ऑफिस के काम में मदद की तेरे लिए ही अच्छा है, अब बहू घर का काम भी कर लेगी और तेरी ऑफिस के काम में मदद भी कर देगी। लेकिन माँ जी मुझे घर के ही इतने काम होते हैं, कभी कभी ही मदद कर सकती हूँ ना, ऐसे रोज थोड़ी। बहू तू ना धीरे धीरे काम चोर बनती जा रही है, मैं सब समझ रही हूँ तुझे, दो काम क्या बोल दो, तेरे तो नए नए बहाने आ जाते हैं। अरे अपने पति की मदद करेगी ना, इसमें क्या परेशानी है। माँ सही बोल रही है, और घर का काम क्या ही होता है, इधर झाड़ू मारी उधर पोछा मारा काम खत्म, और इतने से ही काम में तुम थक जाती हो, इतनी भी काम चोरी मत दिखाओ। तू क्यों परेशान हो रहा है बेटा, मैं हूँ ना अच्छे से समझा दूंगी बहू को कि काम कैसे संभालते हैं। इनकी तो मदद करके ही गलती कर दी मैंने, ऑफिस में जाते और अपने सर से सुनते ना तब पता चलता, इन्हें हर बात में सुनाते ही रहते हैं ये लोग तो। बहू जा नवीन का टिफिन पैक कर दे, ऑफिस भी जाना है उसे, तुझे तो कोई काम नहीं है लेकिन मेरे बेटे को तो बहुत काम है, जा आप टिफिन पैक कर दे अच्छे से। उमा और नवीन दोनों का ही स्वभाव एक जैसा था, दोनों की इन सब बातों से आशिका को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके घर में किसी को भी आशिका की नहीं पड़ी थी, उन्हें तो बस यही लगता था कि आशिका का काम ही यही है, इसीलिए वो सब कभी भी आशिका की तारीफ नहीं करते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद उमा अपनी पड़ोसन गीता के साथ बाहर मोहल्ले में बैठी हुई थी, काफी देर तक बातें करने के बाद वो गीता के साथ अपने घर आती है और आशिका को बुलाकर कहती है, बहू चाय बना दे मेरे और गीता के लिए। माँ जी बर्तन तो अभी तक धुले नहीं हैं, मुझे थोड़ा समय लगेगा चाय बनाने में। मैं चार घर घूम के भी आ गए और तेरा काम नहीं हुआ अभी तक। ओ माँ जी मेरी थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं इसलिए थोड़ा आराम कर रही थी। मैं अच्छे से जानती हूँ तेरी तबीयत खराब नहीं है, तू बस नाटक कर रही है ताकि काम ना करना पड़े। अरे उमा ऐसे क्यों बोल रही है, क्या पता सच में तबीयत खराब हो, देख कैसे कमजोर सी लग रही है। अरे तू नहीं जानती इसे, हर वक्त बहाना ही देखती है कि कौन सा बहाना बनाऊं और काम से बच जाऊं। तू ना पागल ही है, तेरी बहू सारा काम अकेले संभालती है, तभी तो तू बाहर कितनी भी देर तक घूम लेती है। बहू की कीमत अभी नहीं पता चल रही है लेकिन तुझे एक दिन पता जरूर चलेगी। कुछ भी, अरे ये हमेशा के लिए कहीं चली भी जाए ना तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझे। फिर तो तू कुछ ज्यादा ही पत्थर दिल है, तभी तो तुझे फर्क नहीं पड़ता है। माँ जी वैसे मेरी माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत खराब है तो मैं कुछ दिन बाहर रहने जा सकती हूँ। अब बोल तू अपनी बहू को उसे मायके तक नहीं भेज सकती है क्या। मुझे कोई परेशानी नहीं है बहू को मायके भेजने से, एक काम कर बहू तू मायके जा और जब मन हो वापस आने का तभी आइयो, अब ठीक है ना। बहू को मायके जाने के लिए बोल तो दिया है लेकिन ध्यान रहे कोई परेशानी ना हो तुझे। अरे मुझे क्यों परेशानी होगी, पहले भी तो सब मैं ही करती थी ना, तब तो कुछ नहीं हुआ, बहू के आने के बाद कुछ अलग थोड़ी हुआ था, मैं मदद ना करूँ तो बहू से काम ना हो। तब तो और भी अच्छी बात है, तुझे बार बार अपनी बहू को काम के लिए समझाना नहीं होगा, कुछ दिन तुझे तो सुकून के मिल गए ना। हाँ सच में बहू तो एक काम नहीं करती, बस दिमाग ही खाती रहती है, अपने मायके जाएगी तो थोड़ी शांति मिलेगी मुझे, मेरे लिए ही अच्छा है ये तो। उमा अपनी बहू को मायके भेजने के लिए मान जाती है और आशिका कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती है। आशिका की अपने मायके जाते ही सारा काम उमा को करना पड़ता है। कुछ दिनों तक तो उमा जैसे तैसे काम कर रही थी, लेकिन एक दिन जब उमा कपड़े धो रही थी तो उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है, उसे कमर पर चोट आती है। ये बात जब आशिका को पता चलती है तो वो अपने मायके से तुरंत वापस आती है और जैसे ही उमा आशिका को देखती है तो बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, तेरे पीछे मैं अकेले इतने दिन भी घर नहीं संभाल पाई और जब तू सब अकेले करती थी तो मैंने तुझे कभी अहमियत नहीं दी। माँ जी आप वो सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि आप तो ठीक हो ना, ज्यादा कहीं चोट तो नहीं लगी। मैं ठीक हूँ बहू, लेकिन गीता सही कहती थी, बहू की कीमत तभी पता चलती है जब वो दूर हो जाती है,
और इन कुछ दिनों में सच में मैंने तुझे बहुत याद किया। माफ कर दे बहू, मुझे तेरी कीमत पता चल गई है। उमा को अपनी गलती समझ आती है और वो अपनी बहू की कीमत को अच्छे से समझने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।